कहाँ से बताऊँ, ये उत्तर प्रदेश है। गोरखपुर पुलिस कानपुर से आने वाले कारोबारी की जांच के नाम पर पीट पीट कर हत्या कर देती है, और वही उत्तर प्रदेश की पुलिस मंत्री के दरवाजे पर बड़े सम्मान से सम्मन चिपका कर आ रही है कि मंत्री जी के बेटे हाजिर हो, क्योंकि पता है वो मंत्री का दरवाजा है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में मंत्री के बेटे की कार द्वारा किसानों की हत्या और किसानों के साथ हो रहे अन्याय पर 11 अक्टूबर को महाराष्ट्र बंद। जय हिंद साथियों, मैं रेहाना अंसारी, भिवंडी महिला कांग्रेस प्रेसिडेंट। मैं आप लोगों के सामने एक अपील लेकर आई हूँ कि जिस तरीके से आप सभी देशवासी ये जानते हैं कि आज किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और उस लड़ाई में तकरीबन 600 से ज़्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन हद पार तो अभी ये हो गई। लखीमपुर में जिस तरीके से एक मंत्री का बेटा, एक इंसान जानवर के ऊपर भी इतनी बेदर्दी से गाड़ी नहीं चला सकता, जिस तरीके से जानवर से भी बदतर समझकर उसने इंसानों के ऊपर ऐसी गाड़ी चलाई जो उसमें छः से आठ लोगों की मौत हो गई, ये बहुत ही शर्मनाक हादसा है। मैं पूरे महिला कांग्रेस की तरफ से मैं इसका निषेध करती हूँ, और ये सब, और उसके बाद उनसे मिलने भी नहीं दिया जा रहा है जो उनके दुख में शामिल हो रहे हैं, उनको रोका जा रहा है। हमारी नेता प्रियंका गांधी जी जब उनको मिलने जाती हैं तो उनको धक्का मुक्की करा जाता है, उनके साथ बदसलूकी की जाती है। ये घिनौनी सरकार के खिलाफ आज हमारे महाविकास आघाड़ी की तरफ से ऐलान हुआ है कि 11 तारीख को हम बंद का ऐलान करते हैं। इसलिए ऐसे मैं आह्वान करती हूँ पूरी भिवंडी वासियों को कि अपनी जो भी दुकानें हैं, छोटी मोटी दुकानें, कारखाने, रिक्शा वगैरह, सारी काम धंधे सब बंद करके अपना विरोध जताए कि ये भिवंडी का जो बंद है वो पूरे महाराष्ट्र में गूंजे। और ऐसे मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनंती करती हूँ कि आप सभी लोग इस बंद में शामिल होकर इस बंद को कामयाब करें। शुक्रिया, जय हिंद। नमस्कार, आदाब। बात किसानों की हो रही है देश में और विदेश में भी। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले के जयगहाँ गांव में हूँ, और इस वक्त हम जिनके साथ खड़े हैं इसी गांव के जिम्मेदार भी हैं। आज बात करेंगे किसानों के ताल्लुक से, क्योंकि मेरे ठीक पीछे ये जो खेत दिखाई दे रहा है, हालांकि इस खेत को महाराष्ट्र में खेत को शेती कहते हैं और उत्तर प्रदेश में इसको खेत कहते हैं, बात एक ही है। महाराष्ट्र का शेतकरी यानी किसान शेती में काम करता है और अनाज उगाता है। ठीक इसी तरह से हमारे देश के दूसरे हिस्सों में भी, इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश में हूँ तो उत्तर प्रदेश में इसे खेत कहते हैं और यहाँ किसान खेती करता है, अनाज उगाता है। ये धान का खेत है, हरा भरा लहलहा रहा है, मगर इसकी कहानी, अगर सरकार ने 3 कानून वापस नहीं लिया तो आने वाले दिनों में इस देश को महंगी पड़ेगी और विदेश को भी। बहरहाल हम बात करेंगे, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मिर्ज़ा फ़हीम अनवर बेग है। मुझे मालूम पड़ा है कि कुछ शायराना अंदाज भी है आपका, कुछ किताबें भी। ये तो मौरूसी है, लेकिन शायराना मिजाज जिंदा रखने के लिए तो आदमी को थोड़ा ज़हनी एक सुई चाहिए, क्योंकि हमारे चैनल पर बहुत सारे तो शायर भी हैं। एक बार मुझे याद पड़ रहा है, मेरे वालिद साहब ने कहा था कि अलम दुनिया में ऊंचा होगा सैफी, हमारे वालिद साहब को तखल्लुस था, अलम दुनिया में ऊंचा होगा सैफी गम गुसारी का, मिटेगा जिस घड़ी नामो निशान सरमायादारी का। और ये सरमायादारी का ऐसा दौर आया हुआ है जिसको और उरूज तक पहुंचाने के लिए तरह तरह के हुकूमत जो है, बीजेपी हुकूमत हथकंडे अपना रही है और तरह तरह के बिल लाना चाह रही है। मैं भी बुनियादी तौर पे तो किसान का बेटा ही हूँ, तो इसलिए किसान के साथ हूँ और जब तक जिंदा हूँ। मुझे अफसोस इस चीज़ का है कि यह आंदोलन यहाँ से दूर हो रहा है, ज़्यादा पहुँच नहीं पा रहा हूँ, वरना अगर होता तो मैं भी शरीर शामिल होता। मैं चाहूँगा कि यहाँ तक भी लोग आएँ, और किसानों का समर्थन इसलिए भी ज़रूरी है कि पूरी इकोनॉमी देश की इसी पर टिकी हुई है। दो लफ्ज़ सिर्फ यह है, अगर किसान नहीं तो हिंदुस्तान नहीं, इसलिए किसान नहीं तो हिंदुस्तान नहीं, मेरा यह मानना है। तो इसलिए बिल तो बाहर हर सूरत में वापस होना चाहिए, इसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है।
हमारे चैनल पर जो भी खबरें दिखाई जा रही हैं वो सही हैं, अच्छी हैं और शहर के हित के लिए हैं, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। YouTube पर जाकर भारत शक्ति समाचार।